हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ वेक्टर्स। पिछले लेक्चर में हम लोग वेक्टर क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखे थे, उसके कुछ बेसिक टाइप्स देखे थे और साथ ही साथ हम लोग 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किए थे। फिर हमने उस लेक्चर में ये बात की थी कि कौन सा हमारा, जैसे ये अगर फर्स्ट एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये अपना जेड एक्सिस हो गया, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन बोल दिया हमने। इसको हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑक्टेंट बोला था, इसको सेकंड, थर्ड और यहाँ पे आ गया अपना फोर्थ। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे चलता है ये। और फिर वन के नीचे अपना आ जाता है फोर, फोर ऐड करते जाएंगे ना, वन के नीचे हमारा फिफ्थ हो जाएगा, टू के नीचे हमारा सिक्स्थ हो जाएगा, थ्री के नीचे, पीछे कॉर्नर में जगह नहीं है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, सेवन्थ हो जाएगा थर्ड के नीचे, और फोर्थ के नीचे यहाँ पर हमारा एट्थ ऑक्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑक्टेंट की बात हम लोग कर लिए थे। अभी हम लोग देखेंगे कि 3D स्पेस की कोऑर्डिनेट सिस्टम की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जैसे कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है, यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कुछ ऐसा होगा, क्योंकि उसमें कुछ वाई कोऑर्डिनेट नहीं होगा, जेड कोऑर्डिनेट नहीं होगा, सिर्फ एक्स के डायरेक्शन में हम लोग को कुछ ट्रैवल करना पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव में। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें वाई एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट की, तो वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट जो होगा वो जीरो बीटा जीरो टाइप का होगा, जेड एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होगा वो कुछ जीरो कॉमा जीरो कॉमा गामा टाइप का होगा। ये तो बात हो गई एक्सिस की। अब हम प्लेन्स की बात करें, एक्स वाई प्लेन, जैसे अगर मैं स्ट्रेट करूँ यहाँ पे, ये हमारा है ना, ये वाला जो प्लेन है जो ऑरेंज कलर से दिख रहा है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। तो इस एक्स वाई प्लेन में जो भी पॉइंट रहेगा उसका जेड कोऑर्डिनेट जीरो रहेगा, सिर्फ उसमें एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा और जेड कोऑर्डिनेट जो है वो जीरो होगा। ठीक है, अगर ऐसे ही हम वाई जेड प्लेन की बात करें, यहाँ पर इस डायग्राम में वाई जेड प्लेन कौन सा है, तो वाई जेड प्लेन है हमारा ये वाला, ये हमारा वाई जेड प्लेन है। ठीक है, वाई जेड प्लेन के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट हमारा जीरो रहने वाला है, तो वाई जेड प्लेन पे कोई भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कुछ जीरो कॉमा बीटा कॉमा गामा टाइप का होगा। फिर अगर हम लास्टली बात करें जेड एक्स प्लेन की, जेड एक्स प्लेन ऐसा प्लेन जो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस को कंटेन कर रहा है, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस को कंटेन करने वाला प्लेन ये है ग्रीन वाला जेड एक्स प्लेन। तो जेड एक्स प्लेन के ऊपर y कोऑर्डिनेट हमारा जीरो रहेगा, x कोऑर्डिनेट नॉन जीरो होगा, y जीरो होगा और z कोऑर्डिनेट हमारा नॉन जीरो होगा, अल्फा जीरो गामा इस टाइप का कोई भी पॉइंट रहेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक की। अब हम देखेंगे 3D में डिस्टेंस फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, कैसे डिस्टेंस फार्मूले का यूज करेंगे। पहले तो हम डिराइव कर लेते हैं फार्मूला क्या है। ओके, तो ये हमारे पास x एक्सिस ओरिजिन, y एक्सिस और z एक्सिस आ गया। ठीक है, सपोज मैं x के डायरेक्शन में x1 यूनिट चलता हूँ, y के डायरेक्शन में y1 यूनिट जाता हूँ, और यहाँ से परपेंडिकुलर ऊपर z की डायरेक्शन में z1 यूनिट ट्रेवल करता हूँ, तो मैं कौन से पॉइंट पे पहुँच रहा हूँ, x1 y1 z1 पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम सपोज a रखा है मैंने। ठीक है, फिर ओरिजिन से स्टार्ट करके x के डायरेक्शन में x2 पॉइंट ट्रेवल किया मैंने, मान लेते हैं ये पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 0 0। ठीक है, फिर यहाँ से y के डायरेक्शन में y2 यूनिट ट्रेवल किया, और यहाँ से परपेंडिकुलर z के डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर z के डायरेक्शन में z2 यूनिट। ठीक है, तो ऐसा करने से कौन से पॉइंट पे पहुँचे हम लोग, x2 y2 z2 पॉइंट पे। सपोज इस पॉइंट का नाम है b। अब हमें ये a और b पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ये फाइंड आउट करना है क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले मैं इन दोनों, ये जो दो पॉइंट है हमारे x और y प्लेन में, कौन से, ये दोनों, इनके बीच का ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर डाल लेता हूँ, इसको ज्वाइन कर लेता हूँ एक्स वाई प्लेन में, ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बना।
अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, ये वाला डिस्टेंस वाई टू और वाई वन का डिफरेंस है, ये वाला जो डिफरेंस है ये है मेरे पास में, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ एक्स टू माइनस एक्स वन, तो पाइथागोरस से ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट साइन के अंदर में, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो डिस्टेंस है मेरे पास ये वाला, इसी के पैरेलल एक डिस्टेंस यहाँ देख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट का नाम एम रख लेता हूँ, इसको एन, तो ये जो बी एम वाली लाइन है परपेंडिकुलर, इसके ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर डाला ए पॉइंट से, ठीक है। फिर इसको भी ज्वाइन किया मैंने, तो ये अगेन मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पर ये जो डिस्टेंस है बी से लेके यहाँ तक का, ये जेड टू और जेड वन का डिफरेंस है, और ये वाली जो लेंथ है अगर मैं इसको चलो पी पॉइंट बन लेता हूँ, ए पी, तो ए पी और एन पी इक्वल है, ए पी और एन एम, ए पी और एन एम जो है वो इक्वल है, एन एम था मेरा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही मेरा ए पी के इक्वल हो गया। अब फिर अगर मैं ट्रायंगल ए पी बी में पाइथागोरस अप्लाई करूँ, पाइथागोरस थ्योरम, तो वहाँ से ए बी वाला लेंथ हम लिख सकते हैं, ए बी वाला लेंथ स्क्वायर रूट साइन के अंदर बी पी का होल स्क्वायर प्लस ए पी का होल स्क्वायर, तो ए पी का होल स्क्वायर यहाँ से लिख लेंगे एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस इसके साथ में बी पी का होल स्क्वायर लिखना है, जो कि है मेरे पास में जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। तो ऐसा करके ये जो है डिस्टेंस फार्मूला बन गया ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है, ये इतना पोर्शन जो है ये वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है, ये हम लोग 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन में ऐसा किए थे, है ना, पॉइंट वाले चैप्टर में। क्योंकि स्पेस है, ये तीन तीन एक्सिस है, जेड एक्सिस यहाँ पर एक और नई चीज़ आ गई, तो इसलिए जेड कोऑर्डिनेट इसमें एक और इंट्रोड्यूस हो गया है ना, जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया, इसको नोट कर लेंगे। अब एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर। तो जैसे ये एक क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, है ना। डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर हम लोग जितना क्वेश्चन 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में किए थे, उस हर एक तरीके का क्वेश्चन हम यहाँ पर भी बना सकते हैं ना, तो बट इतना नहीं करेंगे काम हम लोग, सिमिलर प्रोसीजर है, एक दो क्वेश्चन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, ठीक है। उसमें से पहला क्वेश्चन ये है कि ए बी और सी पॉइंट को मुझे कोलिनियर प्रूफ करना है, और भी मेथड्स हो सकते हैं कोलिनियर प्रूफ करने का, बट यहाँ हम लोग डिस्टेंस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक। तो डिस्टेंस फार्मूले का यूज करने के लिए मैं ए बी बी सी और ए सी डिस्टेंस लिख लेता हूँ। अब ए बी क्या होगा, इसके बीच का दूरी 5 माइनस वन का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस टू का स्क्वायर प्लस माइनस टू ऑफ माइनस टू माइनस ऑफ माइनस एट, ठीक है ना। तो 5 माइनस वन का स्क्वायर हो गया 16, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 8 माइनस टू 6 का स्क्वायर हो गया 36, ठीक है। ये हो गया मेरे पास में रूट ऑफ 56। फिर बी सी देख लेते हैं, बी सी 11 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस ऑफ माइनस 2, तो प्लस हो गया, ठीक है। 11 माइनस 5 यानी कि 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 7 प्लस 2 9 का स्क्वायर हो गया 81, तो 81 प्लस 9 हो गया 90 प्लस 36 इज 126 का रूट। फिर हम देख लेते हैं ए सी क्या है, ए सी में सीधा 11 माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया प्लस 3 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया प्लस 7 माइनस ऑफ माइनस 8 का होल स्क्वायर आ गया रूट के अंदर, ठीक है। 11 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया 100, 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया 25, 7 प्लस 8 15 का होल स्क्वायर हो गया 225, ठीक। क्या बनता है 225 प्लस 25 250, 350 का अंडर रूट, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इनमें से
ए बी, बी सी और ए सी में से कोई दो का सम अगर तीसरे के इक्वल हो गया, कोई भी दो का सम अगर तीसरे के इक्वल हो गया, तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि ए बी सी एक ही लाइन के ऊपर मौजूद होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं ज़रा इसको सिंप्लीफाई करके। रूट 56 विल बी 2 root 14, 126 विल बी 3 root 14, एंड रूट ऑफ 350, रूट ऑफ 350 इज 5 root 14। तो यहाँ पे क्लियरली हमें क्या दिख रहा है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, ए सी। इसका मतलब कि एक ही लाइन के ऊपर ए पॉइंट रहा होगा, फिर बी पॉइंट रहा होगा और फिर सी पॉइंट रहा होगा, तो ए से बी का दूरी, बी से सी का दूरी जो है वो मेरा कंप्लीट ए से सी के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, इसके इक्वल हो गया। तो ये जो है एक डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने प्रूव कर दिया कि तीन पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। कोई ट्रायंगल 3D में देके आपको, ठीक है, तीन कोऑर्डिनेट बता दिया जाएगा, फिर ट्रायंगल कैसा है इसके बारे में पूछा जा सकता है। कोई क्वाड्रिलेटरल देके पूछ सकते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या रोम्बस है या सिंपल पैरेललोग्राम है या ट्रेपेजियम है या इनमें से कुछ भी नहीं है ना, ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन ए स्पेस सच दैट, इन सच अ वे दैट इट इज ऑलवेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 units फ्रॉम ओरिजिन। ओके, ओरिजिन है मेरे पास में कोई वो पॉइंट, एक मूविंग पॉइंट है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा 4 units के इक्वल रहता है। ठीक है, ये मूविंग पॉइंट को m बोल देता हूँ मैं, x, y, z। ये मूव तो कर रहा है लेकिन इसके मूव करने से वो पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट के बीच में वो जो है चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है ना, और ये मूव कहाँ कर रहा है ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मूविंग इन अ स्पेस। ठीक है, प्लेन में मूव करेगा तो सर्कल बन जाएगा, स्पेस में मूव करेगा तो स्फीयर बन जाएगा, है ना। कैसे, क्या प्रोसेस होता है, लोकस का क्वेश्चन है ये। लोकस के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही करते हैं, पॉइंट पहले एज्यूम करते हैं, फिर पॉइंट के ऊपर जो भी कंडीशन क्वेश्चन में दिया वो अप्लाई करते हैं। कंडीशन ये है कि ओरिजिन से डिस्टेंस इसका, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो हम ऐसे लिख सकते हैं डिस्टेंस फार्मूले से, ठीक है ना, और ये गिवन है किसके इक्वल, 4 के इक्वल। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, x² + y² + z² स्क्वायर बोथ साइड कर दें तो रूट हट जाएगा। ये जो इक्वेशन बना ये हमारे इस पॉइंट के पूरे पाथ को गवर्न कर रहा है, ठीक है, और ये इक्वेशन एक स्फीयर की इक्वेशन है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये लोकस का एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लिया। ऐसे बहुत सारे लोकस के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको, अब ये तुम्हें यहाँ पे 2D में इतना समझ नहीं आ रहा होगा कि ये स्फीयर कैसे है क्या है ना, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूँ 3D में, है ना, तो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू मैं इसके कोशिश कर सकता हूँ ये स्फीयर को विजुलाइज कराने की। ठीक है, देखो ये एक 3D ग्राफिंग सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग इस वाले चैप्टर में और भी वेक्टर और 3D के क्वेश्चंस को और ज़्यादा विजुलाइज करने के काम में लेके आएंगे। ठीक है, तो जैसे ये जो रेड में एक्सिस आपको दिखाई दे रही है ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ग्रीन वाला अपना वाई एक्सिस हो गया, और ये जो प्लेन दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर में, है ना, ये अपना एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, और जो ब्लू वाली एक्सिस है ये हमारा जेड एक्सिस है। तो अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ यहाँ पे जो हमारा स्फीयर था, x² + y² + z² = 16, ठीक है, तो देखिए ये रेड कलर में ये स्फीयर आया हमारे पास, इसका रेडियस क्लियरली विजिबल हो रहा है, आप देख सकते हैं, है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर देखिए ये 4 पे इसको एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, वाई एक्सिस को भी 4 पे क्रॉस कर रहा है, जेड एक्सिस को भी देख सकते हैं आप ये 4 के ऊपर उसको क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो ये एक स्फीयर है ना, मे बी आपको विजुलाइज हो गया होगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो ये एक एक्सरसाइज है NCERT का, NCERT 11th क्लास का है ना, डिस्टेंस फॉर्मूले के बेस्ड पे ये एक्सरसाइज है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी अभी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला किया, तो तुम ये क्वेश्चन नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और ये सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला तुम्हारा जो है क्लियर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं सेक्शन फार्मूले के ऊपर। सेक्शन फार्मूला हम लोग 2D में भी पढ़ चुके हैं, अब वही काम हमें 3D में देखना है, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूले के दो पार्ट हैं। अगर मैं बात करूँ इंटरनल डिवीजन की, इंटरनल डिवीजन का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास ये लाइन सेगमेंट है ए बी, जिसके कोऑर्डिनेट हैं सपोज एक्स वन वाई वन जेड वन एंड एक्स टू वाई टू जेड टू, ओके। और एक पी पॉइंट है जो कि एम इज टू एन के रेशियो में हमारे ए बी लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ओके। तो मैंने यहाँ पे लिखा ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू एम इज टू एन। डिवीजन कैसा है, इंटरनल है। तो इंटरनल डिवीजन सेक्शन फार्मूले से पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, एम का मल्टीप्लाई बी के कोऑर्डिनेट्स में होगा और एन का मल्टीप्लाई ए के कोऑर्डिनेट्स में होगा, ठीक है। तो हो गया एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, और जेड कोऑर्डिनेट हो गया सिमिलरली, ठीक है। ये बात हो गई इंटरनल डिवीजन की। ऐसे ही अगर एक्सटर्नल डिवीजन की बात करें, एक्सटर्नल डिवीजन मतलब कोई लाइन सेगमेंट है अपने पास में ए बी, ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन जेड वन, ओके, बी का कोऑर्डिनेट लेट्स से एक्स टू वाई टू जेड टू, और मेरे पास कोई एक पी पॉइंट है जिसने कि ए बी लाइन सेगमेंट को एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड किया, ठीक है। ये डिस्टेंस मैंने लिखा है एम एक्स अपॉन एन एक्स, रेशियो देखेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो एम इज टू एन का रेशियो बनेगा, है ना। क्या हुआ फिर से, ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू अगेन एम बाई एन, बट द डिवीजन इज एक्सटर्नल, है ना। तो फिर से हम पी का कोऑर्डिनेट कैसे लिख सकते हैं, वही सेम चीज़ उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे एम का मल्टीप्लिकेशन बी के कोऑर्डिनेट में, एन का मल्टीप्लिकेशन ए के कोऑर्डिनेट में, और इंटरनल डिवीजन में जहाँ पर प्लस होता था बस वहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो एम बी का कोऑर्डिनेट एक्स टू, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन, ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन, और जेड कोऑर्डिनेट हो गया अपने पास में एम जेड टू माइनस एन जेड वन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन, ठीक है। ये सेक्शन फार्मूला हो गया। इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा ये जेड कोऑर्डिनेट आ रहा है हमारे पास, बाकी तो हम लोग ये टेंथ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। बाकी सेक्शन फार्मूले के क्वेश्चन करने के जितने भी मेथड्स होते थे या ट्रिक्स होते थे जो भी हमारे, है ना, 2D में 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में, वो सब के सब यहाँ पर भी वैसे ही हैं, है ना। मतलब रेशियो एज्यूम करना है हमें तो हम एम इज टू एन न मान के के इज टू वन लिया करते थे, ठीक है ना। इंटरनल डिवीजन का फार्मूला लगाते थे, फिर अगर के का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो फिर हम ये बोलते थे कि एक्सटर्नल डिवीजन रहा होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी हैं, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं, आइए, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि एक्स वाई प्लेन ने इस लाइन सेगमेंट ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड किया, ठीक। रफ डायग्राम एक बना लेते हैं, ए पॉइंट दे दिया 1, 2, 3, बी पॉइंट दे दिया -2, 1, 4, ठीक, ओके। एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन ने, चलो मान लिया कि एक्स जेड प्लेन ने पी पॉइंट पे ए बी को डिवाइड किया, और कौन से रेशियो में किया, तो के एच टू वन के रेशियो में किया, ठीक है, ऐसा एज्यूम कर लिया हमने। अब हम लोग पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने सेक्शन फार्मूले से लिख लेते हैं। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बनेगा -2k, के का मल्टीप्लिकेशन बी के कोऑर्डिनेट में, +1 अपॉन k+1, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट होगा k+2 अपॉन k+1, और जेड कोऑर्डिनेट होगा k × 4, 4k+3 अपॉन k+1। ये है पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। पी पॉइंट है जहाँ पर एग्जिट प्लेन ने हमारे दिए हुए लाइन सेगमेंट को कट किया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि पी लाइज ऑन
एक्स जेड प्लेन, हमने अभी अभी पढ़ा था कि एक्स जेड प्लेन के ऊपर जो भी वाई कोऑर्डिनेट होता है वो जीरो होता है। तो ये जो मेरा वाई कोऑर्डिनेट बन रहा है इसको हम लोग जीरो के साथ में इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से के प्लस टू इक्वल टू जीरो मिल गया, के बराबर माइनस टू आया। अब माइनस आने का मतलब फार्मूला हम लोग कौन सा यूज किए, प्लस वाला, लेकिन के का वैल्यू यहाँ माइनस आ रहा है, इसका मतलब कि जो डिवीजन है वो एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। और रेशियो क्या है, रेशियो पूछा हमसे, तो रेशियो तो हमारा के इज टू वन था, यानी कि टू इज टू वन, माइनस में नहीं बोलेंगे टू इज टू वन, लेकिन ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे द डिवीजन इज एक्सटर्नल। ठीक है, इस तरीके के सेक्शन फार्मूले के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, अगेन ये NCERT 11th क्लास की एक्सरसाइज है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन फार्मूला, तो ये भी इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको भी ट्राई कर लेंगे, सेक्शन फार्मूला भी जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है।